मैं हूँ प्रीति। प्रीति के लाइव चैनल में आप मुंबई में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए शिमला मिर्च की सब्जी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनती है और जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर आप जोड़िए स्टार्ट करते हैं, अगर आप न्यू हैं तो बेल के साथ मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि जो इजी इजी रेसिपी जो है वो आप तक पहुँच सके। ज़्यादा बकवास ना करते हुए आगे जल्दी से झटपट आपको बना के दिखाती हूँ। तो मैंने शिमला मिर्च देखिए बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं। ये प्याज लिया है, जिसे छिकल की तरह ये छीलते हैं उस टाइप में मैंने निकाल लिया है। ये चावल का आटा है और ये लंबे लंबे टमाटर इसमें काट लिए हैं। और ये थोड़े से मटर है, मैंने आलू का यूज़ नहीं किया। वैसे तो सब लोग बेसन का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं चावल का यूज़ करती हूँ, चावल के आटे का यूज़ कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये कढ़ाई ली है, इसमें हम तेल डाल देंगे। मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसके बाद इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डाल दें। और इसमें हम प्याज डाल देंगे, इसे दो मिनट भूनेंगे। ज़्यादा मैरू गोल्डन नहीं करना, हमें सिर्फ मैरू करना है। इसके बाद हम इसमें मटर है, इसे मटर भी ऐड कर देंगे। इसे दो मिनट के लिए दो मिनट तक। उसके बाद हम ये टमाटर जो है इसे भी ऐड कर देंगे। उसके बाद ये शिमला मिर्च जो काटे थे मैंने, इसे भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सर। ये कितना अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल मेरी सब्जी। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी डाल देंगे हम इसी तरीके। उसके बाद थोड़ा गरम मसाला और फिर लाल मिर्च, अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो मैं डालिए लाल मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। उसके बाद हम इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके ये चावल का आटा डालेंगे, लगभग एक चम्मच के डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और ये सब्जी बहुत जल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होती है। ये सब को बच्चों को, खासकर जो शिमला मिर्च नहीं खाते तो उनकी तरह की खिलाई बहुत टेस्टी बनती है। अब इसे हम ढक के पका लेंगे इसको स्लो आंच पे। ये देखिए मेरी सब्जी एकदम पक के रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी लग गई थी, कोई नहीं हुआ सके क्योंकि मैंने कम ऑयल का यूज़ किया था। तो अब इसे हम प्लेट में खाली करते हैं। रेडी हो चुकी है, देखने में अच्छी लग रही है ना, तो खाने में भी अच्छी लगेगी। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी सब्जी को इन्जॉय कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।